डेल्टा कॉर्प पहली मार्च 2024 से होगा वायदा कारोबार से बाहर। ये फरवरी सीरीज इसका रहेगा आखिरी दिन और मार्च सीरीज से ये वायदा कारोबार से बाहर निकल जाएगा। जोमैटो 400 करोड़ का इन्हें एक टैक्स लाइबिलिटी का नोटिस मिला है डिलीवरी चार्जेस को लेकर। इस पर कंपनी ने कहा है कि वो इस पर अपडेट करेंगे, अपील भी करेंगे। केनरा बैंक म्यूचुअल फंड सब्सिडी केनरा रोबेको एमसी के आईपीओ के जरिए होगी लिस्टिंग। बोर्ड ने इसके आईपीओ लाने को दे दी है मंजूरी, बस अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। कोटक बैंक यहां पर सीएस राजन की नियुक्ति को आरबीआई से मंजूरी मिल चुकी है। पार्ट टाइम चेयरमैन बनेंगे 1 जनवरी 2024 से, 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति प्रभावी होगी। फिलहाल बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं ये। साउथ इंडियन बैंक पूंजी जुटाने को बोर्ड से मिल चुकी है मंजूरी। कल थी बोर्ड बैठक और 1750 करोड़ जुटाएंगे राइट्स इशू के जरिए। पीएनबी यहां पर माफ कीजिए क्रेडो ब्रांड्स यहां पर मुफ्ती कल लिस्टिंग के बाद हमने देखा जबरदस्त एक्शन इस पर बना है। 2 फंड्स ने खरीदारी करी है। एसआई इन्वेस्टमेंट ने 7.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। सोसाइटी जनरल ने 4.5 लाख इसके खरीदे हैं शेयर्स। पेट्रोनेट एलएनजी इन्होंने ईस्ट कोस्ट में एक एलएनजी टर्मिनल लगाने के लिए किया है करार और ये करार किया है गोपालपुर पोर्ट्स लिमिटेड के साथ। माइनिंग टर्म शीट साइन की इन्होंने। पीएनबी यहां पर बोर्ड बैठक होने वाली है और वित्त वर्ष 2025 के लिए ये फंड्स जुटाने पर विचार करेंगे, तो फंड रेजिंग के लिए तैयार हो रहा है पीएनबी। ओके सुप्रजीत इंजीनियरिंग बड़े म्यूचुअल फंड्स की तरफ से खरीदारी का सिलसिला 29 लाख शेयर खरीदे हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और उन्होंने स्टेक बढ़ाकर 5 से 7% कर दिए। 22 दिसंबर को मार्केट में की थी ये खरीदारी। और इंडिया बुल्स हाउसिंग वायदा कारोबार का एक फेवरेट ट्रेडिंग स्टॉक, आज इसका वायदा कारोबार में आखिरी दिन है, कल से ये एफएनओ से बाहर हो जाएगा। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक।